वेलकम बैक टू द चैनल दिल्ली का विक्रम विच। आज फिर से एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और जो आज का जो ब्लॉग है, जैसे कि जिसने ये आ गया बैकपैक, तो आज फिर जो है वो ट्रैवलिंग का है। मैं जर्नी कर रहा हूँ ट्रेन की और आज मैं जा रहा हूँ पटियाला से दिल्ली तक। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो ये वाली भी पसंद आएगी। चलो आज आपको दिल्ली घुमा के लाते हैं और दिल्ली के अंदर मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त जगह दिखाऊंगा जो कि हम व्लॉगर्स के लिए है। तो आप मेरी वीडियो में बने रहे और अभी है जो आज की जो वीडियो है वो है हमारी जर्नी, ट्रेन जर्नी पटियाला टू दिल्ली। और ये जो मैं ट्रेन पकड़ रहा हूँ ये मैं सुबह की 7:20 की है मेरी। हालांकि मैंने अपने ऐप में देखा जो ट्रेन है वो 20 मिनट लेट है और ये है फजिलका दिल्ली एक्सप्रेस, इसको बठिंडा एक्सप्रेस भी बोलते हैं कई लोग। और इसका जो नंबर है वो है 14508। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ पटियाला से अंबाला तक की, तो आप अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो जाकर वो भी देख लें, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। चलो शुरू करते हैं अपनी जर्नी को। बस साईनाथ महाराज की जय। स्टेशन में पहुंच चुका हूं, आप ये देख सकते हैं ये जो पीछे मेरे पटियाला का स्टेशन। और आज जो गाड़ी है वो जो है वो है अभी 20 मिनट लेट है, तो मैं घर से चला था जैसे मैं आपको बता के चला था। और मैं स्टेशन तो आ गया हूँ, अभी भी मैंने चेक किया ऐप में तो 20 मिनट्स लेट है, अभी कोई अनाउंसमेंट भी नहीं हुई। तो मैं वाला टिकट ले लेता हूँ फिर मैं आपसे बात करता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया आज मैं जा रहा हूँ दिल्ली, तो पटियाला से आज हमारी जो जर्नी रहेगी वो दिल्ली की रहेगी और आज आपको भी जर्नी कराते हैं जी अपने साथ साथ। चलिए, टिकट मैंने ले लिया है, ये है 95 रुपीज़ का, ये जनरल क्लास का है। और मैंने पता किया है तो ये जो है मोस्टली सारी जो ट्रेन है वो जनरल ही है, इसमें कुछ जो डिब्बे लगे हुए हैं वो स्लीपर क्लास के लगे हुए हैं और जो कुछ लगे हुए हैं वो लगे हुए हैं AC। तो ये मैं अब अंदर प्लेटफॉर्म में जो एंट्री कर रहा हूँ और अब मैं आ गया हूँ स्टेशन। अगर आप डायरेक्ट पटियाला से दिल्ली जाना चाहते हैं तो एक ट्रेन जो है सुबह ये 7:20 की और इसके बाद सीधा जो है वो है 2:50 की, वो दादर एक्सप्रेस है। और ये जो है फजिलका एक्सप्रेस है जो कि फजिलका से चल करके पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन तक जाती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसके अंदर जो है अब स्लीपर क्लास भी लगती है और AC के 4 डब्बे लगते हैं और बाकी सारी जर्नल है। तो मोस्टली लोग जो है यहाँ पर लोकल सवारी है वो जर्नल ही यात्रा करती है। और मैं आपको ये बात बता दूँ, इस ट्रेन के अंदर आपको सीट मिलने की जो पॉसिबिलिटी वो अच्छी है, जो 2:50 पर जाती है यानी कि 3 बजे के आसपास, उसमें जो सीट जो है वो नहीं मिलती क्योंकि वो लंबी ट्रेन है, वो अमृतसर से चल करके वो सीधा जाती है आपके दादर यानी कि मुंबई जाती है। उसमें जो जनरल के जो डब्बे लगे हुए हैं 2 लगे हुए हैं, एक आगे लगा हुआ है एक पीछे लगा हुआ, और उसमें सीट नहीं मिलती। एक बार मैं उसमें गया था तो मेरे को सीट नहीं मिली थी, तो जा करके राजपुरा के बाद मुझे जाकर सीट मिली। और अगर आप दिल्ली एकदम जाना चाहते हैं पटियाला से, तो मैंने आपको बताया सिर्फ 2 ही ट्रेन है और एक ट्रेन जो है वो वीकली चलती है संडे के संडे, वो है हमसफ़र एक्सप्रेस, वो नांदेड़ जाती है अमृतसर से। तो अगर आप अचानक जाना चाहते हैं, आपका अचानक प्रोग्राम बनता है, तो आप क्या करें, सबसे आसान तरीका यही है कि आप यहाँ से चले जाएँ राजपुरा, राजपुरा से अमृतसर वाली लाइन के लिए बहुत सारी ट्रेन है अमृतसर टू दिल्ली, तो हम वहाँ से भी ट्रेन ले सकते हैं। तो होप कर रहा हूँ आपको मेरी जो सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको काम आएगी। और कोई अगर और भी अगर कोई सवाल है तो आप नीचे जा करके कमेंट बॉक्स में मेरे से सवाल पूछ सकते हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा सारे के सारे जवाब देने का। तो अभी वेट कर रहा हूँ क्योंकि 20 मिनट लेट है ट्रेन, देखते हैं ट्रेन आती है फिर आपको दिखाते हैं। अपने निर्धारित समय से 15 मिनट विलंब से चलने की सूचना है। ये गाड़ी 7:44 पर आने की संभावना है। अभी अभी आपने अनाउंसमेंट सुन ली होगी, जो ट्रेन है अभी भी 15 मिनट लेट है। ये मोस्टली जो है 15 से 20 मिनट जो ये ट्रेन है लेट ही होती है और कभी कभी दिल्ली में ये ऑन टाइम हो जाती है, नहीं तो ये आधा पौना घंटा दिल्ली पहुंचने में लेट ही होती है। लेकिन ये है कि आपको इस ट्रेन के अंदर जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया आपको सीट मिल जाती है, तो आप आराम से इसमें सफ़र कर सकते हैं। तो आगे जर्नी आपको दिखाएंगे जैसे भी रहेगी। आज ये जो ट्रेन है पूरा आधा घंटा लेट आई है ये।
तो आप मुझे कमेंट करके बताएं ये जो लोकोमोटिव कौन सा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसमें जो सीट जो है आराम से मिल जाती है, और ये जर्नल, और मेरे को भी सीट मिल गई है। इधर आप देख सकते हैं सब लोग आराम से बैठ गए हैं। तो पटियाला में 2 मिनट के हॉल्ट के बाद ये गाड़ी यहाँ से चलेगी सीधा, अब रुकेगी सीधा राजपुरा। मैंने अभी ट्रेन की जो है स्पीड चेक करी, वो ऐप में दिखा रहा है 100 to 110, 100 से 110 की स्पीड पे चल रही है, और जिसका लोकोमोटिव है वो डीजल लगा हुआ है। ये जो अभी जो भाखड़ा आएगी, ये भाखड़ा नांगल डैम से आ रही है, और ये दिल्ली वालों के लिए जो है यहाँ से कटा हुआ भाखड़ा का पानी। और भाखड़ा के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप जाकर के मेरे चैनल पे देख लें। और ये जो भाखड़ा है, जैसे मैंने आपको बताया है, ये जाती है पानीपत, सोनीपत और दिल्ली। ये दिल्ली वालों के लिए है जो अभी आने वाली है। ये है जी वो भाखड़ा जिसके बारे में बता रहा था मैं। में हो रहे हैं 8:43। ट्रेन जो है ये पहुंच चुकी है जी राजपुरा, और यहाँ ये 40 मिनट लेट चल रही है जी अभी तक। तो राजपुरा जो है वो है गेटवे ऑफ पंजाब कहा जाता है इसको, कहते हैं पंजाब की शुरुआत जो होती है राजपुरा से होती है, और एक जंक्शन है ये। यहाँ से एक अमृतसर जलंधर के लिए लाइन जाती है, एक अम्बाला दिल्ली के लिए जाती है, और एक पटियाला के लिए जाती है। तो अब अगला जो स्टेशन होगा वो होगा जी अम्बाला सिटी, अम्बाला शहर। तो ये है जी पीछे ट्रेन फजिलका 14508। 2 मिनट के हॉल्ट के बाद ये जो है राजपुरा से जो है ये ट्रेन चल पड़ी है। पांच मिनट ये गाड़ी यहाँ खड़ी हुई है, 5 मिनट के बाद ये अम्बाला शहर, अम्बाला सिटी से चल दी है अम्बाला कैंट की तरफ। ट्रेन जो है 10 मिनट लेट है जी, अम्बाला पहुंच गई है अम्बाला कैंट। और आप अम्बाला कैंट पे आकर के आप देख सकते हैं जो सीट्स जो है वो खाली हो गई है, और सिर्फ 10 मिनट लेट है, टाइम इसने कवर कर लिया है। और मोस्टली ये अम्बाला में आकर अपना टाइम जो है कवर कर लेती है, अगर दिल्ली से आती तब भी कवर कर लेती है, और अगर फजिलका से आती तब भी यहाँ पर अम्बाला में आके कवर कर लेती है, क्योंकि इसका जो हॉल टाइम है बहुत लंबा है यहाँ पे। और सिर्फ 10 मिनट लेट है, अब आगे ये बढ़ेगी। कुरुक्षेत्र जो है ये ट्रेन जो है ये पहुंच चुकी है, और 16 मिनट लेट चल रही है ये ट्रेन यहाँ पर कुरुक्षेत्र तक। कुरुक्षेत्र जो है जंक्शन है, जंक्शन से जाना जाता है ये। यहाँ से एक लाइन जा रही है दिल्ली पानीपत, और एक जा रही है अम्बाला, और एक लाइन यहाँ से जा रही है नरवाना जींद और कैथल। और कुरुक्षेत्र जो है वो जाना जाता है, आप जैसे जानते हैं, महाभारत की लड़ाई के लिए, और कल्पना चावला पेलिटोरियम, और यहाँ पर पनोरमा बहुत ही प्रसिद्ध जगह है, बहुत फेमस है।
और यहाँ पर आकर के आप ब्रह्मकुंड के भी दर्शन कर सकते हैं। कुरुक्षेत्र के बाद आगे गाड़ी रुकेगी तरावड़ी। थोड़ा सा कुरुक्षेत्र में जो है गाड़ी में थोड़ा रश हुआ है, और लेकिन मेरे पास सीट है जैसा कि आप लोग जानते हैं, तो ऐसे ही है, कभी सीट मिलती है, कभी भीड़ हो जाती है, कभी कम हो जाता है। यही ट्रेन का सफ़र, और ट्रेन का सफ़र में मज़ा ही यही है। दो मिनट के हॉल्ट के बाद कुरुक्षेत्र जंक्शन से भी जो गाड़ी जो है वो चल रही है। अभी मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत एक स्वरूप दिखाऊंगा भगत सिंह जी का, तो अभी आपको दिखाता हूं मैं। ये है जी तरावड़ी स्टेशन, तरावड़ी आ गया है जी। गाड़ी में बज रहे हैं जी 10:26 और गाड़ी जो है 20 मिनट लेट है करनाल में। करनाल जाना जाता है जी दानवीर कर्ण की नगरी करनाल, और कल्पना चावला यहाँ की बेटी मानी जाती हैं। तो ये है जी करनाल। करनाल से जो है गाड़ी चल रही है। अभी मैं आपको एक टंकी दिखाता हूँ जो कि 105 ईयर्स ओल्ड है। ये देखिएगा आप टंकी, ये वाली टंकी थी, ये 105 साल पुरानी है अंग्रेजों के टाइम की। करनाल में ये जो आ गया ये है गन्नौर स्टेशन, और गाड़ी जो है पूरे 35 मिनट लेट चल रही है। ये है गन्नौर, सोनीपत से पहले का स्टेशन है गन्नौर। ट्रेन जो है सोनीपत पहुंच चुकी है और 40 मिनट लेट चल रही है, और यहाँ से जो है लोकल सवारी बहुत चलेगी दिल्ली के लिए, जैसा कि आप सुन सकते हैं। लोग जो है चलने शुरू हो गए हैं। ये है सोनीपत, इससे अगला जो स्टेशन होगा वो होगा जी नरेला। नरेला जो है दिल्ली में पड़ता है, फिर आएगा सब्जी मंडी, फिर आएगा पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो मैं पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन तक जाऊंगा। ये आ गया जी नरेला। ट्रेन जो है ये पहुंच गई है सब्जी मंडी, और आधा घंटा लेट है आज, और आधे से ज़्यादा खाली हो गई है ये ट्रेन सब्जी मंडी में। ये आ गया जी पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, और सामने जो है आप ट्रेन देख रहे हैं वो है 14507, और मैं आया हूँ 14508 पे। वो वापस यहाँ से दिल्ली से फजिलका जा रही है। ये जो मैं ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गया हूं, और होप करता हूं आपको मेरे द्वारा दी गई सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके काम आएगी। अगर आपका कोई भी सवाल है आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें, तो मैं उसका आंसर आपको जरूर दे दूंगा। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल के ऑप्शन पर जाकर टिंग कर लें। ऐसे ही वीडियो मैं लेकर आता रहूँगा। और हाँ,
जब भी आप कोई कार चलाएं तो सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें, और बाइक चलाते हुए स्कूटी चलाते हुए हेलमेट का इस्तेमाल जरूर करें। तो आप अपना ख्याल रखें, तब तक जय हिंद जय भारत।